शरण। नया क्या हुआ, सब खैरियत तो है? शरण वो क्या, वो भी किसी की बात नहीं समझेंगे, उनके सर पे सिर्फ गुफरान सवार है। आप प्रेशर है, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। कोई बात नहीं, नूर की कॉल है। नहीं, नूर की तरफ सब खैरियत तो है ना। मैं बाहर नहीं गई। क्या हो गया तुम्हें नया? हम लोग जिए या मरे, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। फिक्र तो सिर्फ नूर, नूर क्या कर रही होगी, नूर क्या पहन रही होगी, नूर ने क्या खाया होगा, उसके बच्चे कैसे हैं, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, उसकी आपको ना फिक्र है और ना परवाह। बस बहुत हो गया नया, बहुत बोलने लग गई हो तुम। हाँ बहुत हो गया है, मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है शहरयार। कोई बताएगा भी मुझे कि हुआ क्या है आखिर? यही बताना चाहती थी मैं, नफ्स की कोई जरूरत नहीं। देखो नायाब, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद तो हमेशा आपने क्रॉस की है, जब तक बात मुझ तक थी ना मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शहरयार अहमद अगर मेरी औलाद पर कोई बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरी औलाद को कोई नुकसान हुआ तो इतना बुरा होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कौन तुम्हारी औलाद को नुकसान पहुंचा रहा है? जिस तरह की तरबियत तुमने उनकी की है वो अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं, और ये तुम भी जानती हो। घर में जो कुछ हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं? जी आप। बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम नायाब। पता है मुझे, और मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम रो क्यों रहे हो? आप जाएं यहां से। देखो नायाब, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाह रहा था, मगर तुमने बात इतनी बढ़ा दी कि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब है शेरियान, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? आपको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। You just don't care. आप सिर्फ जो देखना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं वही देखते और सुनते हैं। शेरियार प्लीज, नूर के अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से मसले हैं हमारी जिंदगी में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को किस तरह समझाऊं।